तो विवेक को लेके मैं पिक कर गया हूँ। पैर में चोट लगी है थोड़ी, हाथ फूट गया, तो देख सकते हो ज्यादा नहीं लगी है। वैसे हम आगे बोर्ड के बाहर निकल कर अपनी गाड़ी की तरफ, बर्गर दे दो। हेलो गाइस, वेलकम माय अदर व्लॉग। और हम जा रहे हैं विवेक को लेना क्योंकि फूट चुका है, और अभी हम मिलते हैं आपको। विवेक को पिक करना है सुबह सुबह, आज घर से निकला था मेरे घर के लिए, तो उसका सुबह हो गया था एक्सीडेंट, उसका थोड़ी लगी है चोट आंख पर और हाथ पर, तो हम उसे देखने जा रहे हैं प्लस उसे पिक करने जा रहे हैं। बाकी सब लोग बैठे हैं पीछे। तो विवेक को लेके मैं पिक कर गया हूँ। पैर में चोट लगी है थोड़ी, हाथ में लगी हुई, आंख पे लगी है, दवाई वगैरह कराई है, तो अब भाई साहब पीछे बैठे हैं, तो मिल सकते हो, देखो पीछे। तो देख सकते हो ज्यादा नहीं लगी है। वैसे अभी ये नहीं पता लग रहा कि क्यों लगी है, किस वजह से लगी है, क्या समस्या आई है। बस ये कह रहा कि चोट लगने से पहले एकदम अचानक से अंधेरा आ गया सामने। तो गाइस पता ही नहीं चला क्या हुआ था। बस आप लोग भी थोड़ा ध्यान से गाड़ी वगैरह चलाओ। मेरे ऊपर कोई पानी की बोतल फेंक रहा है, पानी डाल रहा है, उठाया है तब जाके मैं उठा, और वो भी आंखें बड़ी जबरदस्ती खोली है मैंने, हिम्मत करके तब जाके तो आंख खोली, क्योंकि सर लगा था नीचे फटा नहीं बच गया। मतलब बाहर आए कॉफी वगैरह पीने, थोड़ा भारी हो रहा है, सीधी तो गाड़ी और दबा देंगे स्कूटी पर तेरी जगह, तो मार के चला जाएगा। मीठा की इच्छा सी हो रही थी तो मैं पहुंच गया दीघानेर। मीठे की इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि मुझसे तीखा खाया नहीं जा रहा आज, इसके चक्कर में मीठा खाना पड़ रहा है। मतलब मीठा वैसे में मेरी इच्छा हो रही थी, फिर भी मैं मीठा लिया, सॉफ्ट है काजू कतली खा रहा हूँ, क्योंकि बीकाने में लोग ज़्यादातर काजू कतली ही पसंद करते हैं। और तुम? मुझे कुछ भी देखो मीठे में, मतलब मीठा अच्छा हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मीठा खा लेता हूँ। गाइस ये आदमी इतना सीधा बन रहा है, मैं बताती हूँ कैसा मीठा हो, थोड़ा सा कम मीठा हो, जो मुना पकड़े खाने वाले मीठे की बात कर रही है। गाइस चोट लग गए जब भी, अकल नहीं आई। मुझे लग रहा है दिमाग पे चोट लगी है ना, तो थोड़ा और चलने लगा है अभी। जब सुबह सुबह फोन आया था, फिर बिट्टू का फोन आया, पहले मैंने सोचा शायद बिट्टू की दुकान पे बैठ के मजाक कर रहा है। जब मैंने बिट्टू की दुकान पार करी तो फिर मैंने सोचा वाकई में इसका हाथ मुंह टूट गए। अच्छा पहले तुम बिट्टू की दुकान पे पहुंचे? अगर तू मुझे खड़ा हुआ ना दिखता ना, अरे तू खड़ा था ठीक, मतलब चोट लगी थी पर खड़ा था, तो मैं जो भी खड़ा हो तो पिटता। हाँ सुबह भट्टी भट्ट, पहले तो वो पिटता, फिर चौकी चलो चाहे कहीं भी चलो, बाद में सुनता अबे भाई किसी के चोट लग गई, तुम मतलब खड़े देख रहे हो, भाई ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ, पैसे की बात है पैसे ले लो। तो ये मैटर था। तो मैं सुबह सुबह, और मैंने आज सुबह गाइस इतनी गालियां बकी हैं, इतनी गाली बकी गाइस 20,000 में बता। अरे मैं बताता हूँ, जो दुनिया का हर आदमी के लिए जो चीज होती है ना जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आज बंदा उसको आधी करके आया। एक पुलिस वाले पिटता पहले, जो चौराहे पर मैंने ऐसे लगाई, अगर वो गाड़ी भी रोकते तो मैं गया था पीछे। अरे गाड़ी सीज होते देते, गाड़ी तो सीज वैसे भी ना होती, और सुबह सायरन नहीं मिला ढूंढने से भी, कहाँ है बटन इसका, वैसे तुरंत मिल जा। तो गाइस आए हैं थोड़ा सा कुछ सामान लेने के लिए। गाली बेटा भयंकर दूंगा, वैसे हाथ में चोट लग रही है। तुम क्या कह रहे हैं यार, आंटी बेचारी दुकानदारी कर रही है, मेड से बोना खाया जा रहा है, फ्रेंच फ्राइज कौन तोड़ रहा है, एक ही खाई एक खाती फिर लग रही होगी ना, वो लिप्स पिन लगी है, फट गया ना इतना लंबा, कोई नहीं पेट तो भर लूंगा, उधर की कर लो। गाइज हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर, हम गोरमोल अपने पुराने अड्डे पे, पुराने अड्डे पे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा काम है, तो हम थोड़ा काम देखते हुए, मेरा मन दोनों जीन्स लानी थी चेंज करने के लिए, और सुबह कह रहा था मैंने मुझे गोर जाना था, तो दोनों जीन्स चेंज करने। गाइज जरा मेरी शर्ट बताओ कैसी लगी, थोड़ा मेरा लुक बताओ, मैंने थोड़ा लुक चेंज किया अपना क्योंकि बहुत दिन हो गए, तो मैंने सोचा कुछ चेंज करना चाहिए, तो मैंने थोड़ा मेरा लुक बताओ कैसा लग रहा है। अरे ये देख लो भाई कैसा ठुका है, हाँ एक आग बंद हो गई है, रहमो करा मैं, और मैंने इसका सदका भी निकाल दिया है ताकि ये बेटर रहे, और तुम्हारा भी निकाल दिया है सब। मैं निकलते घर से पहले सबसे पहले सत्ता निकाला था, हमारी पूरी टीम ने सत्ता निकाला है सबका।
क्योंकि हम अक्सर सदका निकालते हैं, क्योंकि सबका क्या होता है मतलब ये समझो जान का, माल का, सब चीज़ का, मतलब हमें जो परेशानी है उस चीज़ का हमें धन दूसरे को देना, मतलब मजबूर को या किसी परेशानी में। तो गाइस चलते हैं। गाइस देख सकते हो क्या ड्रामा कर रहा है, देख रहा है जोर कर रहा है भाई। तो गाइस थोड़ी सी शॉपिंग करने लग गए हैं क्योंकि हम कुछ काम से आए थे, तो काम तो पार्ले जी लेकर खा रही है पार्ले जी लेकर कौन नारा पार्ले जी भूख लग रही होगी यार आंटी को पार्ले जी खाने। तो हम निकल चुके हैं मैक्स में से, हमने थोड़ी सी कर ली शॉपिंग क्योंकि हम जब भी आते हैं भटकते सटकते कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं, मतलब हमारी किस्मत में है, पैसा तो है नहीं गाइस, लोन पर ले लेके कपड़े खरीद रहे हैं, गरीब आदमी हम, तो एक ब्रेड ब्रेड या कोल्ड ड्रिंक या कोई दे दो, मतलब वो भी तो पैसे की आएगी, बगैर पैसे तो वो भी ना आएंगे, प्याज 80 रुपये प्याज ना दे रहे तो टमाटर वमाटर दे, प्याज दे दे टमाटर दे कोई बात नहीं, नहीं एक प्याज देते हैं एक टमाटर, हां एक पकौड़ी देते हैं, पकौड़ी कहां है, पकौड़ी चाहिए गाइस देख सकते हैं। और मैं सोच रहा हूं कि हम नीचे जाएंगे क्या ऑर्डर करते हैं, हमने मंगा लिया था एक मील, मतलब हमें ज्यादा भूख लगी थी, हमने भी बाहर कुछ खा लिया क्योंकि हमने सैंडविच में ये खाए थे, ये बहुत तीखे थे इसलिए हमने ऐसे मंगाया, अभी देख के वैसे सॉफ्ट मंगाया था, तो अब लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से कोल्ड कॉफ़ी मंगा लेते हैं। अब गाइस एक बात बताओ, कोल्ड ड्रिंक में कोल्ड कॉफ़ी विदाउट आइस और बगैर कहे, क्योंकि उन्होंने हमारी शक्ल पहचान ली थी, बगैर कहे भाई आइस नहीं डाली उन्होंने, बिल्कुल बगैर टेंशन के, तो आप देख सकते हो आइस नहीं है, आलू है और बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, उन्होंने बगैर मर्जी बगैर कुछ कहे शक्ल देखते ही एक गिलास पानी, बर्फ की भी बहुत ठंडी है, मतलब कोल्ड ड्रिंक ठंडी है, उन्होंने समझ में आ गया था एक ही बार में शक्ल देखते ही कि क्या नाम उसका आइस नहीं डालनी, तो गाइस हमने विदाउट आइस, मतलब ज़्यादा आइस होती है ना तो मज़ा नहीं आता कोल्ड ड्रिंक में, कुछ देर पानी पानी बन जाती है, कुछ देर में मज़ा भी कर जाता है, तो गाइस हमने सारी बक्सों की वजह इस बक्सों की करने के बाद हम निकल चुके हैं बाहर, ये हम आगे बोर्ड के बाहर निकल कर अपनी गाड़ी की तरफ, बर्गर दे दो, हाँ मेरे बच्चे, आओ मेरी गोदी आओ।